देखिए, चुनावों में हमने 57 ऐसे पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जिनको अति संवेदनशील कैटेगरी में हम रख रहे हैं। और इसमें जो पिछले साल के इलेक्शंस, पिछले 5 इलेक्शंस के दौरान किसी प्रकार के लैंड इश्यूज़ की समस्या देखी गई हो, या पॉपुलेशन का नंबर, मतलब जो वोटर नंबर है वो काफ़ी हैवी है, या फिर बहुत दूर दराज एरिया के क्षेत्र हैं, तो इस तरह के क्षेत्रों को इस क्राइटेरिया पे डेजिग्नेट किया जाता है। और 57 ऐसे हमने इस बार एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, पोलिंग बूथ्स, पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे जो है CAPF की फोर्स की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की इलेक्शन प्रक्रिया में समस्या ना आए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये तो वो पोलिंग डे की एक प्लान है, लेकिन जो ये 57 एरियाज़ हैं मार्क किए हुए, इनमें जैसे ही जो CAPF की टीम्स ज़िला पुलिस के साथ इलेक्शन ड्यूटी के लिए हमें प्रबंध में आएंगी, उनके साथ यहाँ पे एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज, रूट मार्चेस, फ्लैग मार्चेस, और एक एरिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो लोकल प्रशासन DSP हैं, SDMs हैं, मैं और DC साहब हैं, इन एरियाज़ को विजिट करने की हमारी प्रक्रिया रहती है, ताकि लोगों में एक विश्वास बने कि पूरा प्रशासन और पुलिस का जो बल है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी सिलसिले में ये विजिट्स ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी गई हैं, और लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट हो, ताकि वो एकदम निष्पक्ष तौर पे और एकदम फ्री और फेयर मैनर से जो इलेक्शन में वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए हम एफर्ट्स करते रहेंगे।